ये है एस बार जो नॉर्मली जाता है सरफेस को नॉर्मल होता है नॉर्मल वेक्टर या तो एरियल वेक्टर तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया पैरेलल हो गए तो ये ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया जीरो हो गया सो इन द एक्सप्रेशन ऑफ गॉस लॉ क्लोज इंटीग्रल ऑफ के एप्सिलॉन नॉट ई डी एस कॉस थीटा में थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ई बार एंड डी एस बार